हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन थारो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये लव राशि फल है, जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ में आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपके बारे में और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। ये रीडिंग स्पेशली फॉर नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले या जो लोग सेपरेटेड है वो लोग देख सकते हैं। आपका अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप मैरिड हैं, सेपरेटेड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भी रिश्ते में है, आप ओवरऑल ये रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं अपने राशि के अनुसार। ठीक है, ध्यान रहे, इस रीडिंग को अपने राशि के अनुसार देखें, जिसमें हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस बताने वाले हैं। मैं हर मंथ आप लोगों के लिए इस तरीके की राशिफल पोस्ट करती रहती हूँ, इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस रीडिंग में जितना डीप एनालिसिस हो सकता है उतना पॉसिबली करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस रीडिंग को आप कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देखें। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं मालूम तो नीचे जाकर आप डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी मैंने डिटेल्स डाली है, मून साइन के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग भी डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी अपनी राशि समझ नहीं तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे अपने नाम का पहला अक्षर डालकर उसके बाद उसमें लिख सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, गूगल आपको बता देंगे, गूगल बाबा सब जानते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी उसमें भी। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी तरीके का डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे अवेलेबल है वो ऑप्शन, आप क्लिक करके अपनी श्रद्धा अनुसार पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, और अगर आप लोगों को आगे भी वीडियोस देखती है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं कभी भी लाइव आ जाती हूँ और लाइव क्यू एन ए भी करती हूँ, तो पार्टिसिपेट करने के लिए बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशन ताकि आपको रिसीव हो जाए। ओके, सो उसके अलावा बताऊंगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स ये नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना, आप अच्छे से जानते हैं ये जो रीडिंग्स हैं वो सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, यदि आप लोगों को जो है अपनी रीडिंग्स में कन्फ्यूजन फील होती है, लग रहा है आउटकम मैच नहीं हो रहा है या रीडिंग का कुछ ना कुछ इशू है, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, डिटेल स्क्रीन पे है आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपने चार्जेस को पे करके अपनी बुकिंग करवा के अपनी रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा और फेसबुक की। ध्यान रखना मैं टिकटॉक, ट्विटर और किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंस्टा और फेसबुक पे हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, यदि कोई और वीडियो दिखाकर या आपको क्लाइंट रिव्यूज दिखाकर पेमेंट मांग रहा है तो प्लीज उनकी बातों में ना फंसे, अलर्ट हो जाए, वो कोई स्कैम हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना जो नंबर स्क्रीन पे आप लोगों के लिए मौजूद है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, सिर्फ वही मेरे डिटेल्स है, उसके अलावा अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे या कमेंट बॉक्स में मैं कहीं पे भी कोई डिटेल शेयर नहीं करती। ठीक है, सो आई होप आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर है, आप लोग अब रेडी हो अपनी रीडिंग्स को देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जरूर बोलिएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग्स को। जेमिनी राशि वालों के लिए देखेंगे कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है उनके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं जुलाई के महीने में उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करेंगे, उनके एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। मिथुन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे जो स्ट्रांग एनर्जीज मिल रही है ना, वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की ज्यादा मिल रही है, प्लस कुंभ राशि की मिल रही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कन्या ओके, कैप्रिकॉन, मकर और वृषभ, ठीक है, और कुंभ राशि, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, और सिंह राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, ये ज्यादा साइंस दिख रही है, जो स्ट्रांग साइंस दिखते हैं वो मैं बताती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं और आप उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आपको लेकर डिजायर रखते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनको लेकर डिजायर रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने काम को लेकर बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, पर आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, आप इनको लेकर बहुत हर्ट हो चुके हैं, आपको लग रहा है इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इतना टाइम उनको नहीं लेना चाहिए था। आप उनके बिहेवियर से, आप उनकी ऊर्जाओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटीज है तो आपकी लाइफ में भी तो आपकी प्रायोरिटीज हैं, अगर ये अपनी लाइफ में अपने घर को और बाकी सब चीजों को ध्यान दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते। आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है कि आप इन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे, अब आपको बहुत दुख हो रहा है इस बात का, इनका बिहेवियर तो देखकर आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, आप इसलिए अपनी लाइफ पे, अब अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं और इन सब चीजों में आप नहीं पढ़ना चाहते। आपने बहुत लंबा इंतजार किया है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेल किया, कोई पॉलिटिक्स करी है ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में, जिससे आप बहुत हर्ट हुए, आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की, अन्याय किया, इनजस्टिस किया, प्लस सॉरी फील करने के लिए उनको बहुत टाइम लग गया। वहीं आपके पार्टनर अपने इमोशंस को छुपाते नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ है। इस समय आपके पार्टनर अपनी फैमिली पे ज्यादा फोकस्ड है, पर यही बात आपको बहुत बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कि अगर वो अपनी लाइफ में इतने ऑक्यूपाइड थे तो उन्होंने आपका साथ क्यों निभाया, मतलब आपके साथ तो थोड़ा टाइम भी उनको नहीं रहना चाहिए था।
आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा होपफुल रहेंगे इस महीने। वो आपके बारे में बहुत सोच विचार करेंगे, डे ड्रीमिंग भी करेंगे, बार बार आपको बहुत याद करेंगे बहुत ज्यादा, पर आइसोलेशन में रहेंगे, कहीं ना कहीं अप्रोच करते हुए नजर नहीं आ रहे, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आलस में हैं, कंफर्ट जोन में जाकर बैठ गए हैं, घर के अंदर हैं, घर के बाहर निकलने से इनकार कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको याद तो बहुत किया जाएगा जा रहा है लेकिन एफर्ट नहीं है। हम आगे एक्शन देखेंगे पर मुझे सीरियसली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर दूर से खड़े रहकर ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा, अगर मैं इसके पास गया या इसके पास गई तो ये इंसान मेरे साथ बहुत बेकार बिहेवियर दिखाएगा, ये मेरे साथ रूठ रहेगा या इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा जिससे मैं हर्ट हो जाऊंगा या हर्ट हो जाऊंगी, जिसके वजह से व्यक्ति आपको अप्रोच करने से दूर भाग रहे, एफर्ट ही नहीं डालना चाह रहे, एफर्ट डालने से ही दूर भाग रहे। जुलाई के महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप इनका इंतजार ही नहीं करना चाहते, आप हर्ट हो गए काफी ज्यादा, आपको लग रहा है बहुत हो गया, जाए जिधर भी पहुंचना है जाके पहुंचे, अब आए कल परसों नरसों, आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं इस रिलेशनशिप में, उनके ऊपर ध्यान देने में आप बस अब अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत याद कर रहे हैं, आपके बारे में उनको सपने आ रहे हैं, बार बार एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हैवी लेवल पे वो आपको बार बार महसूस कर रहे हैं, बट आपको इन सब चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको लग रहा है कि अब कोई फायदा नहीं, अब सब खत्म हो गया। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन क्या होंगे जुलाई के महीने में, मिथुन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर एक्शन क्या लेंगे। सेवन ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लवर। आपके पार्टनर आपको इनडायरेक्टली किसी तरीके का मैसेज भेजते हुए नजर आ रहे हैं, इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगी क्योंकि इन्होंने विशेष वगैरह के मैसेजेस भेज रहे हैं या किसी तरीके की केयरिंग मैसेज, जैसे कि आपको एकदम से ऐसे भेज रहे हैं कि भाई तुम ठीक हो, मैंने तुम्हारे रिलेटेड कोई सपना देखा, मुझे तुम्हारे ध्यान में आया, तुम ठीक हो, या हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, या तुम्हारी ग्रोथ देख के बहुत खुशी हुई, फलाना हमका ढिकाना। आपके पास कोई एक्सक्यूज की तरफ से ही कोई मैसेज आएगा, एक्सक्यूजेस वाला मैसेज जिसमें आपको लगेगा ये फॉर्मल मैसेज है, हालांकि आप उनके मैसेज को देखा अनदेखा कर देंगे, आप उनके मैसेज को उठाएंगे, फोन उठाएंगे, चेक करेंगे और साइड कर देंगे, आप उन्हें रिस्पॉन्स करना जरूरी नहीं समझे, आपको लगेगा देर इज नो पॉइंट कि अब इसको आंसर किया जाए क्योंकि इस इंसान को आंसर देने का क्या पॉइंट है, इस इंसान ने इतना टाइम लगाया, आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए और इनके मैसेज आने से आप और मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रो रहे हैं, परेशान हैं और आपको लग रहा है कि ये इंसान ने जो भी किया वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कहीं ना कहीं अपने गार्ड्स अप करते हुए नजर आ रहे हैं। गार्ड्स अप का मतलब ये है कि आप आसपास एक रेखा बना रहे हैं, एक थिन लाइन जिसमें आप नहीं चाहते कि अभी आपकी जिंदगी में एंटर करें। आपके पार्टनर कोई तरीके का एक गेस्चर अच्छा दिखाएंगे इस महीने, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो एक पहल करेंगे, बट वो आपसे डरते हुए भी बहुत नजर आ रहे हैं, उन्हें डर भी बहुत लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, आप पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे, आप रिस्पॉन्स करते हुए नजर नहीं आ रहे, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचेंगे और आप भी इनको बहुत याद करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। यूनिवर्स मुझे बता इंटेंशन क्या है इनके पार्टनर के आने का, इंटेंशन क्या है इनके पार्टनर के मैसेज का, इंटेंशन क्या है इनके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत हर्ट है, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें आपकी जरूरत है, वो आपको आपको अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे, वो आपको डे एंड नाइट याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। अब जाकर वो हिम्मत कर पाए कि वो आपको कन्फेस करें ये सारी चीजें, वो आपको बताएं कि आपको उन्होंने कितना मिस किया, कहीं ना कहीं आप इस चीज को ऑलरेडी सेंस कर सकते हैं, आपने सेंस करना ऑलरेडी शुरू किया है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें आप इनको सेंस कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बट अब आपको इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि आप बहुत बुरी तरह से इनको लेकर हर्ट हुए हैं बहुत ज्यादा। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पार्टनर अभी तक जगल कर रहे थे कल परसों, लाइक होता है चीजों को टाल रहे थे, यहाँ पर देखो कंफर्ट जोन क्लियरली दिखाई दे रहा है, आलस घर से बाहर निकलना ही नहीं है, अप्रोच करना ही नहीं है, पर जुलाई के महीने के एंड में फाइनली अप्रोच कर रहे हैं, जुलाई के मंथ के एंड में ये आपको किसी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, कैसे हो क्या हो, नॉर्मल एक फॉर्मल मैसेज, एक मैसेज करके छोड़ दे रहे हैं जिसको आप देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं, आपका ऐसा कि भाड़ में जाओ, कॉल भी किया है भाड़ में जाओ, निकल लो यहाँ से। क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए मायने रखता है, मैं कहूंगी यस। क्या इनके लिए मायने रखता है, मैं कहूंगी यस। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार के लिए बने हो, यस, बट टूटे इतनी बुरी तरह हो कि अब आप चाहते हो कि इस इंसान को अब अकल आ जाए, आपको लग रहा है कि इनकी प्रायोरिटीज है तो आपकी भी थी, अगर इनके पास एक्सक्यूजेस है तो आपके पास भी थे, इसकी वजह से आप इनको माफ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते में क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, क्या जेमिनी राशि वालों के लिए इस रिश्ते में अभी उम्मीद बाकी है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। इस रिलेशनशिप में अभी कर्मा पेंडिंग है, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यह है कि आपने अभी तक बहुत सफर किया है, नाउ इट्स टाइम फॉर योर पार्टनर, अब आपके पार्टनर का समय आ चुका है जब उन्हें सफर करना पड़ेगा, कर्मा अपना बैलेंस कर रहा है, कर्मा कह रहा है कि अब इसका टाइम आ चुका है, अब इन्हें तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, अब इन्हें वो सफरिंग फेस करनी पड़ेगी जो उन्होंने आपको दी है, समय आपका है, आप बादशाह बन चुके हैं और ये टाइम वो है जहां पर आपके पार्टनर को आपके सामने
अपनी गलती का एहसास करना होगा। यूनिवर्स ये चाहता है कर्मा का बैलेंस हो, इसीलिए आपको इनसे एकदम से चिड़ लग गई। सोचो ना, आप इतने टाइम तक इनका वेट कर रहे थे, अचानक से जब ये आ रहे हैं तो आप एकदम से नाराज हो गए। इसका रीजन कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब बैलेंस करना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आपके साथ जस्टिस हो। यूनिवर्स मुझे बता एडवाइस क्या है यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए, एडवाइस क्या है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करो, कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज मत करो। बिकॉज अगर इफ यू आर थिंकिंग कि अगर नहीं नहीं मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी तो ये भाग जाएगा या भाग जाएगी, ये तो मुझे छोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये व्यक्ति अब आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। नाउ आप है क्वीन और किंग इस रिश्ते के, अब आप जो है डिसाइड करेंगे ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा। अब आपके पार्टनर के हाथ में ये डिसीजन नहीं है, अब ये डिसीजन पूरी तरह आपके हाथ में है। अब आप बादशाह बन रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए पूरा पलड़ा जो है आपका भारी कर रहा है और आपको जिताने में लगा हुआ है। अब ये डिसाइड आप करेंगे। यूनिवर्स से कह रहा है कि अगर आपको ये चाहिए कमिटेड रिलेशनशिप, एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, तो यू हैव टू फाइट फॉर इट। क्योंकि आप जो बने हो वो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद बने हो। आज आपकी जिंदगी में जो आपके अब सोच विचार हो चुके हैं या जो भी आपके साथ हुआ है वो सब इसके वजह से, क्योंकि अब आपके पार्टनर की बारी है। अब उन्हें भी सफर करना होगा ताकि उसके बाद ये जो ये रिलेशनशिप बने वो इक्वली बैलेंस्ड बने, ताकि इस रिलेशनशिप में एक जितना ही प्यार हो। ऐसा नहीं हो कि एक बहुत कर रहा है और दूसरा बहुत कम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। आई एम वेरी टॉक्सिक, आपके पार्टनर मानते हैं कि वो टॉक्सिक हैं, वो एक बुरे इंसान हैं, उनके वजह से ही आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। घर पर माहौल खराब है, इनके घर में बहुत डिस्टर्बेंस है, इनके घर में कोई तरीके की परेशानी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है जो दिखा रहा है कि अपने आपके पार्टनर जो है प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं अब बदल गया हूँ, आपके पार्टनर प्रूफ करना चाहते हैं कि वो अब चेंज हो चुके हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ तुम्हें उसका आइडिया भी नहीं, वो आपके लिए क्या क्या करते हैं उसका अंदाजा आपको है ही नहीं, उनको ऐसा लगता है। प्रपोज कर दूँ, ये व्यक्ति अब आपको प्रपोज करने में इंटरेस्टेड है, आपके लिए सीरियस हो गए बहुत ज़्यादा। तुम्हें अच्छे से पता है मेरी मजबूरी क्या है, आपको अच्छे से आइडिया है ये किस बात से परेशान है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने सही नहीं किया, आपने कुछ तो जरूर ऐसा किया था जिसके वजह से ये व्यक्ति आपसे दूर हुए थे, इसके वजह से ये इतने टाइम तक आए नहीं। अब ये वापस आए हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं फिर से, मौका देना ना देना वो तो आपकी चॉइस है, आप डिसाइड करेंगे, बट ये कहीं ना कहीं अब आपसे वापस से सुलह करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा नई कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को क्लेम करनी है एनर्जी, कमेंट बॉक्स में जरूर क्लेम करें और बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम सई राम।